हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान पार्क। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी जेई भर्ती 2019 के एग्जाम फीस रिफंड के रिगार्डिंग। दोस्तों, आरआरबी जेई CBT 1 का एग्जाम हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है, और रिजल्ट आने के बाद अब CBT 2 भी प्रोसेस में है। लेकिन फिर भी अभी तक आरआरबी ने जितने भी कैंडिडेट CBT 1 एग्जाम में अपियर हुए थे उनके एग्जाम फिर अभी तक रिफंड नहीं किए। जैसा कि जनरल OBC का 400 और जो SC ST कैंडिडेट थे उनके 250 रुपये रिफंड होने वाले थे, वे अभी तक रिफंड नहीं हुए। साथ ही साथ दोस्तों, जो RRB JEE CBT 1 का जो आंसर किया आया था उस पर भी काफ़ी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और उनके ऑब्जेक्शन रेज जो थे वो सही भी पाए गए। इसके बाद भी उन्होंने उसका जो रिफंड फी था उसे उन्होंने वापस नहीं किया। और दोस्तों, ये जो तीनों प्रकार के जो रिफंड है, अगर तीनों का अगर मैं कैलकुलेशन मैंने किया है तो ये लगभग 100 करोड़ का है। जी हाँ दोस्तों, ये जो 100 करोड़ का है, या तो आरआरबी, अगर आप यूं कहें कि आरआरबी ने या तो चपत कर लिया, यानी इसको मामले को दबा लिया, या फिर एक तरह से घोटाला है। और ये सिर्फ दोस्तों, ये मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में, जेई की भर्ती में। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये भी बात करूंगा कि रिफंड कब तक और कैसे आ सकता है, और इस सारी चीज़ों का दोस्तों मैं आपको डेटा भी दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, आप डेटा देख सकते हैं यहाँ पर, एक अभी 19 अगस्त को आरआरबी के ट्विटर हैंडल के द्वारा एक यहाँ पर क्लैरिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें इन्होंने एग्जैक्ट डेटा दिखाया था कि लगभग 32 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया था फॉर्म में, और जिसमें 24,74,394 लोगों का एडमिट कार्ड आया। अगर दोस्तों मान लिया कि इसमें अगर लगभग 4 लाख लोग एबसेंट भी हो गए, तो इसमें जो टोटल कैंडिडेट हैं दोस्तों वे 20 लाख कैंडिडेट हैं। जो 20 लाख कैंडिडेट हैं दोस्तों, इसमें से इन लोगों का रिफंड फीस आना चाहिए था, और इन 20 लाख लोगों में मान लीजिए अगर 15 लाख जनरल और OBC वाले कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, तो इनके जो एग्जामिनेशन फीस अगर 400 के हिसाब से देखा जाए तो ये 60 करोड़ होता है। और जो SC ST कैंडिडेट हैं दोस्तों, इनके जो है 5 लाख, अगर इन्हें भी अगर लेकर चला जाए तो इनका जो है लगभग 13 करोड़ होता है। अब दोस्तों, जब आंसर किया था तो काफ़ी लोगों ने, कोई किसी ने एक क्वेश्चन, किसी ने दो क्वेश्चन, किसी ने चार क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन किया। अगर इसका भी अगर रफली एक मान लिया जाए कि 20 करोड़ रुपए लगभग अगर इन्होंने ऑब्जेक्शन फी में खर्च किए, तो एक देख सकते हैं कि यहाँ पर 93 करोड़, यानी दोस्तों लगभग 100 करोड़, राउंड ऑफ फिगर में देखा जाए तो लगभग 100 करोड़ के आसपास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों RRB JEE एग्जाम में इन्होंने यहाँ पर चपत कर लिया है। अब दोस्तों, यहाँ तो ये बात हुई RRB JEE CBT 1 में, और ऐसे दोस्तों कितने एग्जाम्स और भी हैं प्रीवियस टाइम में, जैसे लोको पायलट का ग्रुप डी में, उसमें मैं माना कि लोको पायलट में काफ़ी लोगों के एग्जाम फिर रिफंड हुए और ग्रुप डी में भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिले जिनके लगातार मुझे मेरे फेसबुक पेज पर उनका लगातार मुझे मैसेज मिला कि सर मेरा एग्जाम फिर रिफंड नहीं है। दोस्तों, हो सकता है ये छोटी बात हो किसी इंडिविजुअल के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है, या फिर जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है पहला स्टेज ही, तो उनको अपना 400 छोटा लग रहा होगा। लेकिन अगर इसे मास लेवल पे देख सकते हैं कि आपका सिर्फ और सिर्फ RRB JEE एग्जाम में 100 करोड़, और ऐसे लगभग अदर एग्जाम्स को भी कैलकुलेट किया जाए तो ये 300 से 400 करोड़ के अराउंड ये होगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा है, और RRB स्टूडेंट्स का मासूमियत या उनके बिजी शेड्यूल को कंसिडर करते हुए इसे अवॉइड कर रहा है, और या यूं कह लीजिए वो वेट कर रहा है कि जब तक वे लोग हमें कुछ कहें नहीं तब तक हम ऐसे ही मामले को दबाए रखें, एग्जाम फिर रिफंड ना करें। अब दोस्तों, ये बात होती है कि रिफंड कब तक आ सकता है, कैसे आ सकता है, तो दोस्तों इसका एक शॉर्ट तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, जब तक आप RRB को ट्वीट मेल करके बताएंगे नहीं, मास लेवल पर सभी लोग जब तक करेंगे नहीं, तब तक RRB अपना वो रिफंड वापस नहीं करने वाला है। दोस्तों, ऐसा मैंने प्रीवियस टाइम में भी बहुत लोगों का ऐसा फीडबैक देख चुका हूँ कि उनके एग्जाम फी भी रिफंड नहीं है। माना कि एग्जाम फी में अगर कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं आया, अकाउंट गलत है, लेकिन दोस्तों जो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था क्वेश्चन रेज करने के लिए उस पर भी ऐसा नहीं आया। अब दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही बताना था कि आप लोग इसके रिगार्डिंग जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक आपका एग्जामिनेशन फी रिफंड नहीं होगा। और दोस्तों, ये 400-250 की बात नहीं है दोस्तों, एक बहुत बड़ा एक तरह से स्कैम है। 100 करोड़ यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जाम में है। अब दोस्तों, अभी भी कई सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी क्वेरीज आ रहे हैं कि CBT 2 में सिविल का पेपर लीक हुआ है, तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं उस पर अभी एनालिसिस कर रहा हूं, एनालिसिस करने के बाद आपको पूरी चीज़ का वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसलिए वीडियो को दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।